आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और मेरे साथ है दीक्षा शर्मा जो कि आपके लिए लेकर आई है टेलीविजन के सबसे ज्यादा पॉपुलर शो अनुपमा की लेटेस्ट अपडेट्स साथ ही साथ उसके अपकमिंग स्पॉयलर्स। तो सबसे पहले तो दीक्षा आपसे जानना चाहूंगी बीते एपिसोड में क्या हुआ और आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वैशाली, जैसा कि हमने आपको कल बताया और व्यूअर्स को भी बताया कि क्या कुछ आगे होने वाला है और साथ ही अब जो कल हुआ उसमें ये देखा गया कि किस तरह से मालविका ने वनराज को प्रॉपर्टी दे दी है और अब दोनों ही भाई बहन के बीच में भी दरार आ गई है और अनुपमा और वनराज भी अलग हो गए हैं और अनुज जो है वो कंगाली की तरफ आगे बढ़ गया है क्योंकि कोई भी ऑफिस में अब काम नहीं रहा है और कुछ भी नहीं है। तो आज के एपिसोड में ये खास होने वाला है कि अनुपमा और अनुज किस तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं जब सभी उनके विरोध में है, तो वो देखने वाली बात होगी और इमोशनल होने वाला है आज का एपिसोड काफ़ी, क्योंकि किस तरह से अनुपमा अनुज को संभालेगी यहाँ पर, उनकी जो हमदर्दी है, मतलब हर सिचुएशन में साथ रहना, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, वो दिखेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं वैशाली, जो इस अनुपमा सीरियल में सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है वो है वनराज को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वनराज अभी भी खुश नहीं है, मतलब मालविका उनके साथ है लेकिन वो तब भी मतलब एक धोखा देने वाली जो आदत होती है या फिर किसी को मतलब दिखाने की कि आप हमेशा नीचे हो, तो वो दिखाने की वो अभी भी कोशिश करेंगे। और वो अपने घर पर जाकर पता है क्या कहेंगे, क्या कि वनराज ये कहेंगे कि अनुपमा और अनुज लिव इन रिलेशन। ओह माय गॉड, मतलब ये जिस हिसाब से बा और बापूजी हैं वो थोड़ी सी रूढ़ीवादी सोच के हैं और जब वो ये बात सुनेंगे तो धमाका तो होना निश्चित है। मतलब काफी ज्यादा जो है ना, अब देखने वाली बात ये होगी कि अनुपमा और अनुज इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और मालविका कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि मालविका ने तो भाई को छोड़ दिया है और उसके बावजूद वनराज का उसके भाई के लिए कहना ये बताएगा कि आखिर मालविका भी सच में अपने भाई से प्यार करती थी या फिर नहीं। और फिर बा और जो जो भी है, मतलब उनका क्या रिएक्शन आएगा और किस तरह से अब अनुपमा और अनुज के लिए और ज्यादा कठिनाई होने वाली है और क्या 14 तारीख को शादी होगी। ये तो सबसे बड़ा सस्पेंस है और हम भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी अनुज और अनुपमा की इस वेडिंग अफेयर के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दें। फिलहाल हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।